आज की बर्थडे पार्टी तो काफी ज्यादा सही थी, पर मैं वहाँ से आता था लेट हो गया। मोटेंट और फ्रैंकलिन ने रोफिरो टिप्सन को तो बहुत टाइम पहले घर पर भेज दिया था, बट मुझे रोक लिया था। अब देखो यार, मैं उनके चक्करों में कितना ज्यादा लेट हो गया। अभी आप लोग टाइम भी देख सकते हो, रात के 11 बज रहे हैं और मैं पता नहीं घर किस टाइम पहुंचूंगा। चलो यार, अभी फिलहाल हम लोग गाड़ी को स्पीड से भगाते हैं। और ये क्या हो रहा है, गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही है? मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ तब भी नहीं जा रही। भाई इतने सूमसाम रास्ते पर ये गाड़ी दिक्कत कर रही है, यहाँ पर तो कोई आसपास हेल्प करने वाला भी नहीं होगा। अरे यार, अभी तो मैंने कुछ टाइम पहले इस गाड़ी को 6 करोड़ रुपए का खरीदा था, बट ये अभी से दिक्कत कर रही है। अरे यार क्या करूँ, यहाँ पर तो कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। एक काम करता हूँ, रोफिरो टिप्सन के पास कॉल करता हूँ। यार रोफिरो तो कॉल भी नहीं उठा रहा, टिप्सन भी कॉल नहीं उठा रहा, अब क्या करूँ? लगता है भाई वो उस टाइम तक सो गए होंगे। तो उनके पास अपनी लाइव लोकेशन सेंड करता हूँ, जैसे उनकी आँख खुलेगी तो वो दोनों यहाँ पर दूसरी गाड़ी लेकर आ जाएंगे। इतना स्कोप पर मैं गुस्सा उतारता हूँ। भाई इतनी महंगी मैंने 6 करोड़ की कार खरीदी, तब भी इस रोल्स रॉयस गाड़ी में दिक्कत आ रही है। अब करूँ तो करूँ क्या, कहाँ पर जाऊँ मैं इतनी रात को? सुनो, अरे कौन हो तुम और मेरे मार क्यों रहे हो? पर ये तो बताओ मैंने किया क्या, तुम मेरे को मार क्यों रहे हो? मेरे हाथ पैर क्यों बांध रहे हो? कहाँ पर लेकर जा रहे हो मुझे? मैंने ये तो बताओ किया क्या है? नहीं ज्यादा कुछ नहीं, अभी तेरे को पता लग जाएगा क्या होने वाला है तेरे साथ। अरे ये तो ग्रैंडपा है, पर ये GTA 5 के अंदर फिर से कैसे आ गए? अरे यार अब तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ, मुझे डर लग रहा है, मुझे छोड़ दो ना प्लीज। लाल रंग का सुपरमैन, इसका मीट तो बहुत टेस्टी होएगा, मजा आएगा। अबे पागल ग्रैंडपा, सुपरमैन की तरफ क्या देख रहा है, ये तो मेरा खाना है, जा तू अपना खाना खुद ढूंढ के लेके आ, मेरे खाने को पर नजर मत डाला कर। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हो सुबह हो चुकी है और अभी अभी टिप्सन को और मुझे सुपरमैन के पास जाना है, क्योंकि कल रात सुपरमैन ने हमारे पास कॉल और मैसेज किए थे, पर हम दोनों सो रहे थे, हम दोनों उसके कॉल और मैसेज देख ही नहीं पाए थे। बट सुपरमैन ने अपनी लोकेशन हमारे पास सेंड कर दी है, अब हमें पुराने वाले एयरपोर्ट के पास जाना है। तो जो सुपरमैन की गाड़ी खराब हुई है ना, वो पुराने वाले एयरपोर्ट के पास खराब हुई है। तो टिप्सन फटाफट साजा, ये खड़ी हमारी RC 390 KTM, बैठ इसके ऊपर फटाफट से, हम लोग चलते हैं अब सुपरमैन के पास उसकी गाड़ी को सही करने के लिए। वैसे टिप्सन तू सुबह सुबह इतना ज्यादा शांत क्यों है, बोल क्यों नहीं रहा कुछ? अरे रोफिरो ऐसी बात नहीं है, सुबह से बस मेरे मन में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पर सुपरमैन की गाड़ी बंद हुई है उस जगह पर मिस्टर मीट रहता है, और कहीं मिस्टर मीट ने सुपरमैन को कुछ कर दिया तो ऐसा हो ना, बस मतलब मैं सोच रहा हूँ ऐसा, अगर उसने कुछ कर दिया तो। अरे नहीं यार टिप्सन, ऐसा भी तो हो सकता है, सुपरमैन की गाड़ी एयरपोर्ट के दूसरे साइड में बंद हुई हो। एयरपोर्ट के दूसरे साइड में मतलब जहाँ से मिस्टर मीट का घर बहुत दूर हो, और मिस्टर मीट सुपरमैन के पास आ ही ना पाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब देख टिप्सन, आगे कुछ बंदे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, इनसे पता करता हूँ सुपरमैन की लोकेशन के बारे में, कि ये लोकेशन एयरपोर्ट के किस साइड में है, जहाँ पर मिस्टर मीट का घर है वहाँ पर है या फिर उससे अलग है। अरे अंकल जी, क्या आप मुझे एक लोकेशन के बारे में बता सकते कि किधर की साइड में? अरे क्या होगी अंकल, मैं तो बस आपसे एड्रेस ही पता करने के लिए आया था, आप तो गुस्सा कर रहे हो। सॉरी 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 फॉर डिस्टर्बिंग, आप अपना काम कर लो। चल टिप्सन जल्दी से फटाफट गाड़ी पर बैठ, अंकल जी तो नाराज हो गए, जल्दी जल्दी भाई। अंकल जी वरना हम दोनों को पीट देंगे। भाई साहब क्या हो गया अंकल जी, अरे मार क्यों रहे हो मुझे, मैं तो बस आपसे एड्रेस ही पता करने के लिए आया था। भाई साहब भलाई का तो जमाना ही नहीं है, मैंने यहाँ पर अंकल जी से एड्रेस पता किया और इन्होंने मेरी धुलाई कर दी, ऐसा भी होता है क्या, एड्रेस पूछने पर पिटाई, वाह क्या बात है। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और पता नहीं भाई सुपरमैन कहाँ पर होगा। ओ भाई भाई, ओ भाई, मिस्टेक, ये क्या हो गया, हिरन के ऊपर बाइक लग गई और हिरन गिर गई। भाई साहब ये तो बेहोश हो गई, ये तो बेहोश हो गई लगता है भाई, इसको पानी पिलाना पड़ेगा, अभी जिंदी है, जिंदी है ये, इसको कुछ नहीं हुआ, बस हल्की सी इसके बाइक लग गई, सही हो जाएगी, ये उठ जाएगी कुछ टाइम बाद अपना आप। टिप्सन तो एक काम कर, फटाफट से बाइक के ऊपर बैठ, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अब देख टिप्सन, अगर हमें सुपरमैन के पास थोड़ा जल्दी पहुँचना है तो मैं काम करता हूँ, हम लोग जंगल वाले शॉर्टकट से चलते हैं, इस रास्ते से हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे। ओ ये लो शिट, मैंने पेड़ में सीधी सीधी बाइक ले जाकर ठोक दी, और आगे ये पीक पानी पी रहा है, ये ले इसको भी मैंने ठोक दिया। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं फाइनली पुराने वाले एयरपोर्ट के पास आ चुका हूं, और ये खड़ी सुपरमैन की गाड़ी, बट यहां पर सुपरमैन तो है ही नहीं है। रोफिरो मुझे ऐसा लगता है सुपरमैन यहां से कहीं पर चला गया। सुपरमैन यहां से कैसे चला जाएगा, उसकी गाड़ी तो खराब पड़ी है, बिना गाड़ी के सुपरमैन तो यहां से नहीं जाने वाला। पर सुपरमैन गया किधर, सुपरमैन सुपरमैन किधर गया, नहीं है यार यहां पर, अब क्या करे टिप्सन। एक मिनट, ये क्या है,
ये तो सीसीटीवी कैमरे हैं। अब हम लोग इन सीसीटीवी कैमरों से देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ था और सुपरमैन किधर गया। जल्दी से काम कर बाइक पर आ टिप्सन। अब हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले इन सीसीटीवी कैमरों का ऑफिस रूम ढूंढते हैं जहाँ पर ये सीसीटीवी कैमरे कनेक्ट है, हम लोग तभी अच्छे से देख पाएंगे। आई थिंक मुझे यहीं पर ही लगता है इसका ऑफिस रूम यहीं पर होगा। हाँ, कनेक्शन तो यहीं पर जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरों के। आज आप फटाफट से आ, ये हाँ ऑफिस रूम यहीं पर ही जा रहे हैं उसके कनेक्शन। यहाँ पर एक लाल कलर की झंडी भी लगी हुई है। चलो फटाफट से इसके ऊपर को चलते हैं। ओके गाइस, हम लोगों को फाइनली सीसीटीवी कैमरों का ऑफिस रूम मिल चुका है। अब हम लोग इन सीसीटीवी कैमरों के अंदर आराम के साथ देख सकते हैं कल रात क्या हुआ था और सुपरमैन यहाँ से कहाँ पर गया। तो मैं फटाफट से रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करता हूँ। तो अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ओ भाई, सुपरमैन के पीछे से आकर मिस्टर मीट ने अटैक कर दिया और सुपरमैन को घायल कर दिया। अरे भाई, ये क्या कर रहा है, कुछ जादू कर रहा है क्या? ये तो सुपरमैन को भाई खड़े खड़े गिरा रहा है। ओहो भाई, टिप्सन सही कह रहा था, ये तो भाई साहब सुपरमैन को उठाकर लेकर गया। टिप्सन, अब हमें जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, कहीं यार उसने सुपरमैन के साथ कुछ करना दिया हो, सुपरमैन को मारना डाला हो, मुझे डर लग रहा है। टिप्सन आजा जल्दी से आ, अभी मैं फटाफट से नीचे जाता हूँ और सुपरमैन को ढूंढता हूँ। यहीं कहीं पे आसपास लेकर आया था मिस्टर मीट सुपरमैन को उठाकर, तो मैं फटाफट से ढूंढता हूँ। और गाइस, ये जो आप लोग बस देख रहे हो ना, ये ग्रैंडपा की बस है। यहाँ पर क्या कर रही है, मैंने ग्रैंडपा को तो पुरानी वाली वीडियो के अंदर मार दिया था, पर ये बस दोबारा से यहाँ पर कैसे आ गई? भाई कुछ तो गड़बड़ है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर हुआ क्या है। अभी गाइस, अभी फिलहाल हम लोग इसके अंदर को चलते हैं, क्या पता यहाँ पर मिस्टर मीट ने सुपरमैन को दुबका दिया हो और हमें दिख ना रहा हो। ठीक है, देखता हूँ मैं, क्या पता यहीं पर ही हो मिस्टर मीट, यहाँ पर तो नहीं है। अब कहाँ पर ढूंढू गाइस, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस कंटेनर के ऊपर और चढ़ के देखता हूँ, क्या पता वो मिस्टर मीट इस कंटेनर के ऊपर से दिख जाए, पर वो मिस्टर मीट तो यहाँ पर है ही नहीं। ना तो मुझे सुपरमैन दिख रहा है और ना ही वो मिस्टर मीट। तो टिप्सन यार, अब हम लोग इतने बड़े एयरपोर्ट पर उन दोनों को कहां पर ढूंढे? मिस्टर मीट को तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा, मिस्टर मीट तो गया मेरे हाथों से। वो भाई साहब बहुत खतरनाक है मिस्टर मीट। ये क्या है, ये तो एक बस वाला घर है। गाइस क्या पता वो मिस्टर मीट और सुपरमैन इसी घर के अंदर हो। तो उसका लॉक चेक करता हूँ मैं। ओ भाई, इसके अंदर तो लॉक लगा हुआ है, इसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ मैं। भाई साहब बहुत ज्यादा मजबूत है लॉक, भाई नहीं टूट रहा है। ये दूसरा दरवाजा भी नहीं खुलेगा, इसके अंदर भी लॉक लगा हुआ है। अब हम लोग कहाँ पर जाएं? गाइस यहाँ पर गाइस दो तीन रूम है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग ये किस चीज के ड्रम रखे हुए हैं यहाँ पर, और कितना ज्यादा यहाँ पे गंदगी हो रखी है। भाई मुझे यही मिस्टर मीट का घर लगता है। देखो सोफा कितना ज़्यादा बेकार हुआ पड़ा है, और एक गैस सिलेंडर। और ये बंदे कौन है भाई, ये यहाँ पर क्या करने आए हैं? हेलो भाई, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? ये बंदा मुझे भाई कुछ कुछ सिमियोन के जैसा दिख रहा है, और ये कहना क्या चाहता है मुझसे? भाई तू यहाँ पर करने क्या है एयरपोर्ट पर? तेरी ऐसी की तैसी भौंक रहा है मेरे ऊपर, तू भी गुस्सा कर रहा है, तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। रुक 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 रुक, कहीं भाई साहब ये तो मिस्टर मीट के साथ मिले हुए नहीं है, इनको मारता हूँ मैं पहले। तेरी ऐसी की तैसी बेकार डॉगी मेरे ऊपर भौंक रहा है। ओ भाई, इस डॉगी ने मेरा काट लिया, अब तो ये गया। आ जा आ जा आ जा, उरा एक मिनट, इधर आ। तेरी ऐसी की तैसी, ये ले। तो यहाँ पर गाइस ये डॉगी तो गया, ठीक है अब नहीं उठेगा ये। यहाँ पर पता नहीं भाई कहाँ कहाँ से बंदे आ रहे हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दो रूम है, एक रूम तो ये रहा, पर यहाँ पर तो ना सुपरमैन है ना मिस्टर मीट है, कोई नहीं है यहाँ पर। ओ एक मिनट, वेट, सुपरमैन तो ये रहा भाई, सुपरमैन तो मिल गया, पर ये तो बेहोश पड़ा है। नहीं नहीं, हाथ पैर तो चला रहा है अपने, होश में ही है सुपरमैन। अरे सुपरमैन उठ यार जल्दी से, अभी मैं तेरे हाथ खोलता हूँ फटाफट से। अरे कौन हो तुम? तुमने मेरे पीछे से क्यों मारा? अरे क्या हुआ टिप्सन, क्यों शोर मचा रहा है? रो फिरो, मार इसको, कौन है ये, मार रो फिरो। टिप्सन इसने तो मुझे भी घायल कर दिया, ये तो मारने का मौका ही नहीं दे रहा है, क्या करूं मैं? मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, हाथ में फ्रैक्चर हो गया, इसने मेरे हाथ भी तोड़ दिए, क्या करूं टिप्सन? अब मेरे बस की बात नहीं है इससे लड़ना, मैं बेहोश होता जा रहा हूं, मेरा सर घूम रहा है, बहुत मार लिया इसने मेरे को। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा, सुपरमैन को बचाने के लिए टिप्सन और रोफिरो आते हैं, बट पीछे से आकर ग्रैंडपा टिप्सन और रोफिरो को मार डालता है। अब इन दोनों को मार डालने के बाद एक एक करके घसीट कर एयरपोर्ट के दूसरे वाले रूम में ले जाता है। अब वहां पर ले जाने के बाद इन दोनों के साथ कुछ अलग ही करने वाला है, अनएक्सपेक्टेबल। ये मैंने सोचा भी नहीं था कि ये ग्रैंडपा इन दोनों के साथ में ये कर सकता है। आप लोग अब देखो, इसने तो इन दोनों को पहले ही मार दिया, बट
अब ये इतनी बेरहमी से इन दोनों को दोबारा से मारना स्टार्ट कर रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये तो मुझे भी पता है कि रोफ हीरो मर गया और टिप्सन भी मर गया, बट ये अभी भी अपना गुस्सा उतार रहा है क्योंकि पिछले वाले एपिसोड में रोफ हीरो ने ग्रैंड पा को मार डाला था, इस बार ये जिंदा होकर इस एपिसोड में आ चुका है। अब गाइस यहाँ पर कुछ अलग ही होने वाला है। ग्रैंड पा ने आग लगा दी है, आग लगाने के बाद अब ये भाई साहब मुझे लगता है रोफ हीरो को भूनने वाला है आग के अंदर, मुझे ऐसा ही लगता है गाइस। और भाई ये है वीडियो का पार्ट वन, क्योंकि पार्ट वन में तो ये तीनों मर ही गए और पार्ट टू के अंदर हम लोग इन तीनों को बचाने के लिए आएंगे। ओ भाई साहब, इसने तो रोफ हीरो को आग लगाकर फ्राई कर दिया, अब क्या होगा गाइस? ये तो भाई रोफ हीरो की खुशबू ले रहा है, इसने तो रोफ हीरो को जिंदा पका डाला। गाइस ये था इस वीडियो का पार्ट वन, तो पार्ट टू इसका जल्दी आएगा। अगर आप लोग इस वीडियो पर 5000 लाइक कर देते हो तो इसका पार्ट टू आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में जाके बताओ कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।